देख रहे हैं मैजिक वॉन्ड टूल को कैसे यूज करना है। तो मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ चले जाते हैं, फाइल को क्लिक करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब मैजिक वॉन्ड टूल कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, देखें इस पे हमें कुछ ऐसा समझना होगा कि कोई ऐसा फोटो हो जिसका बैकग्राउंड उसके टारगेट से बिल्कुल डिफरेंट हो। जैसे कि अभी हमने ये फाइल सेव करी है, ये भी ठीक है, और इसके अलावा कोई और फाइल हमारे पास हो इस तरह की, ये वाली फाइल देखें, ये भी ठीक है, और ये दोनों फाइल्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे क्लिक करके ओपन करेंगे तो मैजिक वॉन्ड टूल इसमें हमें कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए ये दोनों इमेजेस जो हैं, इसमें हमारा टारगेट और बैकग्राउंड का जो इमेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि टारगेट से उसका कलर मैच नहीं खा रहा। तो इसी सिचुएशन में इसको अनलॉक करने के बाद मैं यहाँ से चला गया टूल के ऊपर जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल, और यहाँ पर इसका बाई डिफॉल्ट जो टॉलरेंस लेवल होता है 32 होता है। अगर मैं इसको करता हूँ 8, तो ये 8 सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करेगा। जैसे कैसे करेगा, क्लिक करूंगा तो जो क्लोज कलर होंगे 8 ले लेगा। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा के 16 पे कर लेता हूँ, तो फिर जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा ये अपना डायग्राम थोड़ा सा और बढ़ा करेगा, और अगर मैं इसको बढ़ा के 32 कर देता हूँ तो फिर ये और करीब करीब पिक्सल्स को ले लेगा, ये देखिए, और इसने मेरा इजीली बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। ऐसी सूरत में मुझे क्विक सिलेक्शन टूल से ज़्यादा आसान पड़ेगा मैजिक वॉन्ड टूल, और यहाँ पर मैं ईजिली इसके बैकग्राउंड को डिलीट कर सकता हूँ, कंट्रोल डी से सिलेक्शन को ख़त्म कर सकता हूँ। सिलेक्शन खत्म करने के लिए सिलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट भी किया जा सकता है और कंट्रोल डी भी दबाया जा सकता है। न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पे इसमें एक कोई कलर भर दें जो आप चाह रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर जो लगाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दें, और यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें, सॉरी और उसको कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होगा, बल्कि पेंट बकेट टूल लेके भरना पड़ेगा इस पर कलर, और उसके बैक पर ये सेट कर दें। तो ये देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे जाके क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पर ये वाला एक ऑप्शन है हमारे पास, और यहाँ पे क्लिक करके भी हम मैजिक वॉन्ड टूल को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टॉलरेंस लेवल आप 32 से भी आगे ले जा सकते हैं, जितना आप आगे ले जा रहे हैं। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि ये सारा कलर एक जैसा है, तो एक क्लिक में ये सारा सेलेक्ट हो गया, दूसरे क्लिक में ये नीचे वाला सेलेक्ट हो गया, तीसरे क्लिक में ये सेलेक्ट हो गया, चौथे क्लिक में ये सारा सेलेक्ट हो गया। तो ये देखिए पूरा बैकग्राउंड उसका सेलेक्ट हो चुका। डिलीट का बटन दबाया, डिलीट हो गया, कंट्रोल डी दबाया, डी सेलेक्ट हो गया, यहाँ से एक न्यू लेयर लिया और उस पर क्लिक करके मैंने यहाँ से पैंट बकेट टूल लिया और लेके मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए इस पर कलर अप्लाई हो गया, उठा के इसके बैकग्राउंड पर सेट कर दिया, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अब इसके ऊपर सेट हो गया। तो इस तरह मैजिक वॉन्ड टूल जहाँ पर भी आपको कलर का एक एज मिल रहा है कि सारा कलर एक जैसा है, वो कोई कंटेनर है, वो कोई बॉक्स है, वो कोई बैकग्राउंड है, तो वहाँ पर आप बाकायदा एक एक चीज़ को सिलेक्ट करने के बजाय मैजिक वॉन्ड टूल को यूज़ कर लें, और वहीं से आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे एरिया को पिक कर लेगा। प्लस में सेव करते वक्त ये टेक्निक को जहन में रखना है कि अगर आप फोटोशॉप की PSD फाइल सेव करेंगे तो तमाम लेयर्स को अलग अलग सेव करेगा, और अगर आप उसकी PNG फाइल सेव करेंगे तो वो क्या करेगा, उनको कंबाइन करके एक लेयर बना देगा। फोटोशॉप की PSD फाइल फोटोशॉप पर ही खुलेगी, और जो PNG फाइल होगी वो फिर गूगल क्रोम, वेब ब्राउजर, व्हाट्सएप वगैरह सब पे शेयर कर सकते हैं। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि फोटोशॉप की जो PSD फाइल होती है वो सोर्स फाइल होती है, जो कि हम यूज़र की नहीं बल्कि फोटो एडिटर की कॉपी होती है, और जो कस्टमर कॉपी होती है वो PNG या JPG फाइल हो सकती है जो उसको डिलीवर की जा रही होती है या किसी भी कंटेंट पे अपलोड किया जा रहा होता है। अब इसके ऊपर अगर कोई टेक्स्ट वगैरह आपको लिखना है तो यहाँ से सिमिलरली आप टेक्स्ट लेके क्लिक करेंगे, और जैसे ही 2 सेकंड में दबा के रखता हूँ उसके ऊपर टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, सपोज टू बी यहाँ पे हमने लिख दिया गुड न्यूज़, और लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपना फॉन्ट जो है जो चाहें आप चेंज कर सकते हैं जो आपको सही समझ में आ रहा है, और इसको सेलेक्ट करके ठीक है और यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ से इसको अगर बोल्ड वगैरह करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको इजीली बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसका कलर वगैरह यहाँ से चेंज करना चाहें क्लिक करके इसका कलर, और उसको ओके कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मूव टूल के मजीद फॉन्ट साइज आपको बढ़ाना है या कम करना है तो यहाँ पे देख लीजिए 72 तक की वैल्यू तो यहाँ पे मौजूद होती है। अगर इससे भी बड़ा करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो वैल्यू टाइप कर सकते हैं बाकायदा, जैसे यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं सपोज टू बी 90 pixels, और क्लिक करके मूव टूल लेंगे तो आप इसके एडिटिंग मोड से बाहर आ जाएंगे, और फिर देखेंगे इसके ऊपर फिट नहीं हो रहा। इस सूरत में आप क्या करेंगे, टेक्स्ट का टूल लेंगे और यहीं पर ही क्लिक करके टेक्स्ट पे यहाँ क्लिक कर देते हैं बीच में और इंटर दबा देते हैं, और जैसे ही इंटर दबाएंगे तो दोनों को सेलेक्ट करके या कंट्रोल ए दबा के सेंटर अलाइन कर देते हैं, जिससे हम मूव टूल लेके और ईजिली उठा के हम इसको यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं, और ये देखें इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख के इसके साथ इसको एडिट कर दिया।
मतलब ये बहुत आसान रहेगा, आपके साथ कोई भी फोटो लें और उसके नीचे कोई डिस्क्रिप्शन डालनी हो तो इस तरह से डाल के आप उसको इजीली बना सकते हैं। अक्सर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे होते हैं तो नीचे स्टेटस नहीं लिख रहे होते, फोटोशॉप में ये बात है कि फोटो लें, बैकग्राउंड ले आए, नीचे से स्टेटस डालें अच्छा सा और उसको बना के PNG फाइल में सेव कर दें तो वो इजीली सेव हो जाता है। ठीक है,